तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोया M1 के एक माइक्रोफोन लेवेरियल माइक्रोफोन के बारे में। तो ये जो माइक्रोफोन है काफ़ी फेमस माइक्रोफोन है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, इसका एक रिव्यू करेंगे। और रिव्यू करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं मेरी तरह जो अभी अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, तो भाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितनी इंपॉर्टेंट एक वीडियो की क्वालिटी होती है उतनी इंपॉर्टेंट साउंड क्वालिटी होती है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को जो है ये जो माइक्रोफोन है उसको परचेस करना चाहिए। इसका रीज़न आपको वीडियो जब रिव्यू आप देखेंगे तब आपको पता पड़ जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा उसको प्रेस करके, ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लाता रहूँ। तो गाइज मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं tech+gadgets.com, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बॉक्स की। तो इस तरीके का बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। इस ये जो बॉक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा, जिससे ये वेरीफाई होता है कि ये जो बोया का माइक है वो ओरिजिनल है, फर्स्ट कॉपी नहीं है। इसलिए बोया कंपनी ने इसके ऊपर एक QR कोड लगाया है, ताकि आप इसको स्कैन करके इसको वेरीफाई कर सकें, क्योंकि इस जैसे फर्स्ट कॉपी जो माइक है वो ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेंगे, तो इसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या है उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल जाता है। तो ये एक लेदर फिनिश में आपको पाउच देखने को मिल जाता है, इसके अंदर ही माइक्रोफोन वगैरह जो रखा होगा, और कुछ यूज़र मैनुअल कार्ड आपको देखने को मिल जाता है, और एक वारंटी कार्ड भी इसके अंदर होगा शायद। हाँ, ये वारंटी कार्ड आपको देखने को मिल जाता है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो इस कार्ड के थ्रू जो है ये माइक वापस हो जाएगा। तो इस बॉक्स को साइड में रखते हैं, इसको फटाफट से देख लेते हैं। ये बड़ा अच्छा सा पाउच मेरे को लगा है, मतलब माइक्रोफोन वगैरह रखने के लिए। इसको अगर इसके अंदर अगर मैं देखता हूँ तो ये रहा माइक्रोफोन, बहुत बढ़िया। इसका जो वायर वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक माइक्रोफोन कवर करने के लिए एक ये रबर भी मिली है, ये एक 1/4 का एक जैक मिला है। इसके अंदर एक क्लिप भी होनी चाहिए थी, वो क्लिप शायद, हाँ ये रही इसकी क्लिप। ये क्लिप जो है आप इसको शर्ट टी शर्ट के अंदर लगाकर जो है माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब जो इस पाउच के अंदर मिलेगा, इस पाउच को आप अपने ईयरफोन ये माइक्रोफोन रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसको भी साइड में रखते हैं। तो इस तरीके का आपको ये माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। तो ये जो वायर है इसका ये काफ़ी बड़ा है, मेरे को मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा होगा, लेकिन आप इस माइक्रोफोन को DSLR वगैरह के साथ अगर यूज़ करते हो तो इतना बड़ा वायर आपको ज़रूरत लगेगी, तो इसलिए इसको इतना बड़ा वायर दिया है। ये एक छोटी सी मशीन टाइप की दी गई है माइक्रोफोन की। तो ये मशीन में आप देख सकते हैं एक बटन दिया गया है ऑन ऑफ़ का, तो इसको आप डायरेक्टली ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली उसके लिए है कि अगर आप कैमरे के लिए यूज़ कर रहे हो तो इसको आप ऊपर कर दीजिए तो ये जो माइक्रोफोन जो स्मार्टफोन के लिए यूज़ होता है वो ऑफ़ हो जाएगा। अगर आप इसको नीचे करेंगे तो ये स्मार्टफोन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो दो टाइप के वेरिएशन इसमें दिए हैं। इसके अंदर आपको बैटरी भी देखने को मिल जाएगी। तो जो बैटरी है वो मैंने इसके अंदर डाल के रखी है, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट करके देखा था। तो इसके अंदर आपको देख सकते हैं ये छोटी सी जो सेल में सेल टाइप जो जिसे बोलते हैं वॉच वगैरह में लगती है, उस तरीके की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ इसके कवर की, तो ये जो कवर है इसके अंदर ऐसे फिट होगा जिसके कारण जो कोई साउंड क्वालिटी या एयर वगैरह जो होती है वो इसके अंदर पास नहीं होगी, बड़े अच्छे से ये जो है बचा लेगा। और ये जो क्लिप है उसको भी इसके अंदर ही अटैच करना है। तो ये आपको एक हुक दिख रहा होगा, इसको आप इसके ऐसे इसको लगाना है। तो ये हुक लगाने के बाद इसको आप शर्ट टी शर्ट के अंदर बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं। और ये इसका यूज़ 1/4 जो पोलर इसको ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं, तो ये इसको आप एम्पलीफायर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप एम्पलीफायर में लगा के, और ये जो 3.5 mm का जो ये ऑक्स दिख रहा है इसको आप इसके अंदर लगा के और एम्पलीफायर के अंदर बड़े अच्छे से आराम से इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी था इसके अंदर। अब इसके साउंड क्वालिटी के बारे में हम फटाफट से देख लेते हैं। तो अभी तक जो है मैं अपने ईयरफोन के माइक को यूज़ करता था, और अभी भी जो है मैं ईयरफोन के माइक को ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका जो आपने साउंड सुना वो तो ठीक है, अब मैं इसको प्लग इन करके आपको इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बताता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी में कितना फ़र्क देखने को मिल जाता है। तो अब इसको हम फटाफट से प्लग इन करते हैं। अब जो साउंड आप लोग सुन रहे हैं वो बोया के इस माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हैं। इसको मैंने अपनी टी शर्ट पे अटैच करा है स्ट्रिप के थ्रू, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है एक अच्छे खासे माइक्रोफोन को यूज़ करने में और एक ईयरफोन के माइक को यूज़ करने में। तो अगर आप लोग अपना एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं और आप साउंड क्वालिटी को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इस माइक्रोफोन को यूज़ करने का मैं सजेशन आप लोगों को देता हूँ। काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन है, बजट में आपको मिल जाएगा 800
94 का मैंने खरीदा, 894 का, और उसकी जो मैंने बाइंग लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे के रखी है, तो आप उसके थ्रू जो है इस माइक को खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको ये जो माइक की वीडियो है, रिव्यू है, अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक सबसे पहले लेकर आता रहूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। Thank you.